नमस्ते, सदाबत सिले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनमिल मुंबई हाई कोर्ट के एक डिसीज़न की। बड़ा अजीबोगरीब डिसीज़न है, लेकिन बहुत सारे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस उस पर आकर खड़े हो जाते हैं। डिसीज़न आ गया है, कोर्ट ने कह दिया है, तो वो सर्वमान्य है। इसमें कोई दोहराए नहीं कि हमारे यहाँ कोर्ट ने जो डिसीज़न दिया है उस डिसीज़न को मानने के लिए सरकारें भी बाध्य हैं और हम सब बाध्य हैं, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूशन है, हमारे इंस्टीट्यूशन ने जजमेंट दिया है। वो जजमेंट उसका एक मैंडमस का ऑर्डर होता है या कोई ऑर्डर दूसरा हुआ है, वो ऑर्डर हमारे लिए बाध्य है, इसलिए इसमें कोई दोहराए नहीं करना चाहिए। किंतु उसकी एनालिसिस की जाए जजमेंट की, तो फिर बड़ी भारी चीज़ें आती हैं। कोई जनरल कैटेगरी का व्यक्ति, भारत में हम सब जान रहे हैं चुनाव इस समय चल रहा है, और चुनाव के समय पर भारत में ओबीसी रिजर्वेशन, एससी एसटी रिजर्वेशन, मुस्लिम रिजर्वेशन और भारत के अंदर रिजर्वेशन एक चुनाव का बिंदु बन चुका है। अब कोई चुनाव बिना रिजर्वेशन के नहीं होता, जो जितना ज़्यादा रिजर्वेशन देगा वो उतने मतों से आएगा। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं थे, वो केवल पॉलिटिकल रिजर्वेशन के पक्ष में थे, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट के रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं थे। हाँ, ये ज़रूर है कि वो उत्थान करने के लिए पढ़ाई लिखाई एडमिशन के मामलों में वो रिजर्वेशन के पक्षधर थे, इसलिए रिजर्वेशन उस समय आर्टिकल 15 में तो आया, रिजर्वेशन उस समय पॉलिटिकल तो आया संसद के अंदर एस सी एस टी का, लेकिन रिजर्वेशन किसी भी तरह से न तो एम्प्लॉयमेंट में आया और ना ही अन्य जगह पर आया। उन्होंने जातियों को हटाने के लिए, कि कहीं जाति कोई समस्या ना खड़ी कर दे देश में, लोगों ने कहा कि भाई जो लोग पिछड़ा है, जो वंचित है, जो दलित है, उसके उत्थान करने के लिए जो जातियां पिछड़ी हुई हैं उनके नाम इसमें डाल दिए जाएं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में उनके नाम पढ़ने के बाद उनको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, और रिजर्वेशन का लाभ का मतलब ये हो गया कि हम उनको कंसिडर करेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर ने उसका विरोध किया और विरोध करते हुए कहा कि जो हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, एजुकेशनल रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, वो रिजर्वेशन हम सिर्फ इस पर्पस से कि उत्थान हो जाए, इसलिए उसका एक शेड्यूल बनाया जाएगा। उस शेड्यूल को बनाने के लिए कमीशन होगा, यानी कि उस समय एस सी एस टी कमीशन की रिकमेंडेशन कर दी और ये कहा कि एस सी एस टी कमीशन होगा, वो कमीशन एक फॉर्मूला बनाएगा, उस फॉर्मूले के अनुसार जो जातियाँ उस फॉर्मूले में खरी उतर रही होंगी वो उस पेंडोरम में डाल दी जाएंगी, उनको अनुसूची में डाल दिया जाएगा और उन जातियों को अनुसूचित जाति कहा जाएगा। इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियां भी इसी प्रकार की हैं कि उनको अनुसूचित जनजातियां कहा जाएगा। किसी पार्टिकुलर जाति का नाम नहीं लिखा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी व्यवस्था में, उनका नाम तभी लिखा जाएगा जब हर बार जो कमीशन है, कमीशन के फॉर्मूले पर वो आती हैं। तभी आपने देखा होगा कि बहुत बार कुछ जातियां कभी ओबीसी हो जाती हैं तो कभी एससी हो जाती हैं, फिर एससी वाली ओबीसी हो जाती है, ओबीसी वाली एससी हो जाती है, यानी कि फॉर्मूले के अनुसार जो एससी कैटेगरी में होना चाहिए वो एससी में होगा, ओबीसी में होना चाहिए ओबीसी में होना चाहिए। हालांकि पहले एससी एसटी का ही रिजर्वेशन था। ओबीसी जितने हैं वो सब जनरल हुआ करते थे, सवर्ण हुआ करते थे, जैसे यादव है, कुर्मी है, पटेल है, ये सब जनरल हुआ करते थे। 1989 में नई जाति पैदा हो गई जिसको ओबीसी कहा गया, और इस ओबीसी अनुसूची में जिनको डाल दिया गया वो पिछड़ा हो गए, एक नया पिछड़ा वर्ग पैदा हो गया 1989 में। आप सोचो, यादव जो रघुवंशी कहते हैं अपने आप को, यादववंशी अपने आप को कहते हैं, जो पूज्य हुआ करते थे, मथुरा के जो यादव वर्ग हैं वो पूज्य हुआ करते थे, आज वो ओबीसी हैं, उनमें हीन भावना पैदा करवा दी। कुर्मी जो उच्च कोटि के लंबरदार हुआ करते थे, जमींदार के सहयोगी हुआ करते थे, वो देश में शासन करने वाले लोग थे, लेकिन कुछ राज्यों में पटेलों को या फिर मैं कहूँ कुर्मियों को ओबीसी बना दिया, यानी कि उनको पिछड़ा बना दिया। ऐसे बहुत सारी जातियाँ नए सिरे से पिछड़ा घोषित कर दी गई। अब ये जो जातियाँ पिछड़ा घोषित कर दी गई तो वो भाई पिछड़ा हो गए, अगड़ा अगड़ा हो गए, यानी कि सवर्ण अलग हो गए और ओबीसी अलग हो गए। एससी एसटी तो पहले से शोषित वंचित दलित जो डॉक्टर अम्बेडकर कर गए थे वो था ही। बाद में इसी के आधार पर देश में राजनीति चलने लगी और वो राजनीति अब एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन पर आकर टिक गई, क्योंकि पंडित नेहरू ने 1951 में एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन कर दिया था। डॉक्टर अंबेडकर नहीं होने दे रहे थे, लेकिन संविधान बनने के बाद डॉक्टर अंबेडकर चुनाव हार चुके थे और डॉक्टर अंबेडकर अब संविधान सभा में थे नहीं। एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन लाकर खड़ा कर दिया। डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि उत्थान होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, एजुकेशनल रिजर्वेशन होना चाहिए, पॉलिटिकली सशक्त होना चाहिए ताकि समाज का पूर्ण उत्थान हो सके, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी।
जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे लोग होशियार होते जाएंगे, जैसे जैसे मेन स्ट्रीम में आते जाएंगे, वो अपने आप अपना अच्छा बुरा देख लेंगे। लेकिन पंडित नेहरू ऐसा विश्वास नहीं करते थे। चंपकम दुराई राजन का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और चंपकम दुराई राजन में मद्रास में रिजर्वेशन को, एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन को अवैध घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। पंडित नेहरू ने उसको बदलने के लिए पहला संविधान संशोधन भारत में रख दिया और कहा कि एम्प्लॉयमेंट में भी रिजर्वेशन हो जाएगा। इस प्रकार आर्टिकल 16(4) आया। और अब जब नौकरियों में रिजर्वेशन आ गया तो कोई पिछड़ा और अगड़ा को खत्म नहीं कर सकता। इस बात को लेकर मैं चुनौती देता हूं कि अब हमारे देश में जब तक रिजर्वेशन रहेगा, अब जातियां वैसी ही बनी रहेंगी या मेन स्ट्रीम में भी आएंगी? लोग मेन स्ट्रीम में आएंगे, राष्ट्र के एक तरह के नागरिक होंगे या नहीं होंगे, ये एक बड़ा प्रश्न हो गया। अब चूंकि आबादी के हिसाब से वोट बैंक बन गया है और वोट बैंक बनने की वजह से अब वो परमानेंसी आ गई, तो डॉक्टर अंबेडकर जो करना चाहते थे वो तो कहीं और चला गया। डॉक्टर अंबेडकर का जो विचार था वो तो खत्म ही हो गया कि वो सबको मेन स्ट्रीम में लाना चाहते थे, कोई शोषित ना हो, कोई वंचित ना हो, कोई दलित ना हो, कोई पिछड़ा ना हो, कोई अनएजुकेटेड ना हो, कोई तकियानुसी ना हो, कोई बैकवर्ड ना हो, सब बराबर आ जाएं, सबको पढ़ा लिखा के बराबर कर देंगे, सबको पॉलिटिकली स्ट्रांग कर देंगे, सब आकर खड़े हो जाएंगे, देश एक राष्ट्र दिखेगा, एक प्रकार की नागरिकता दिखेगी। लेकिन जातियों को ना खत्म करना या जातियों को परमानेंट हीन भावना पैदा करवाने का अगर मुख्य कारण कोई पीछे से रहता है तो वो रिजर्वेशन रहता है। लेकिन अब वो वोट बैंक का साधन बन गया है, इसलिए जो आता है वो ये कहता है हम रिजर्वेशन और बढ़ा देंगे, हम रिजर्वेशन को ऐसा कर देंगे, और कोई रिजर्वेशन खत्म नहीं कर सकता, कोई रिजर्वेशन वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पंडित नेहरू के आने के बाद देश में जैसी भुखमरी और बेरोजगारी हुई, देश के डेवलपमेंट को जैसा होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं हुआ, देश को खड़ा करने का काम नहीं हुआ, देश में बिजनेसमैन डेवलपमेंट नहीं हुआ, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ, देश में सुविधाएं नहीं हुई, देश में बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं रही, तो लोग सरकारी नौकरियों पर डिपेंड हो गए। और सरकारी नौकरी पर डिपेंड होने का मतलब बिल्कुल साफ था, वो आज भी, उनके वंशज आज भी यही कह रहे हैं कि हम 30 लाख सरकारी नौकरी परमानेंट निकालेंगे, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के ऊपर लोड डालने के अलावा कोई उनके पास उपचार नहीं है। उनके पास ये नहीं है कि सरकारी नौकरी में अगर 50,000 रुपये मिलेगा तो क्या 5 लाख रुपये पैदा करने की शक्ति हम पैदा कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को ऐसे खड़ा कर सकते हैं कि वो 5 लाख रुपये खुद कमाने लगे और 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे और वो भी 1-1 लाख रुपये पैदा करें? ऐसी व्यवस्था नहीं की गई। नतीजा निकला कि जातियां और जकड़ होती चली गई। जो हम मूल उद्देश्य को लेकर आए थे वो मूल उद्देश्य फेल हो गया। अब मूल उद्देश्य फेल होने हो गया का मतलब बिल्कुल साफ था कि अब हम जातियां तब तक खत्म नहीं कर सकते जब तक कि लोगों का सरकारी नौकरी से मोह भंग ना हो जाए। और उसके लिए करना यह पड़ेगा कि यूएस स्टाइल में तीसरे दर्जे पर लोग सरकारी नौकरी ढूंढें, यानी कि जो इसके पास कोई काम ना हो वो सरकारी नौकरी कर ले। पहले नंबर पर बिजनेसमैन खुद तैयार हो, दूसरे नंबर पर वो प्राइवेट सेक्टर में जाए ताकि वो, और प्राइवेट सेक्टर में उसको अच्छी सैलरियां मिले, अच्छा प्रमोशन मिले, और जब उसको कुछ ना काम करने को मिले, ना अपना कर सकता है, ना वो प्राइवेट सेक्टर में सहयोग कर सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में सरकार के ऊपर लोड डालकर रखा जाए और वो सरकारी नौकरी करे। ये मामला इतना बढ़ा कि इंदिरा साहनी का एक बड़ा जजमेंट आ गया और उस बड़े जजमेंट में 50% की कैप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लगानी पड़ी, क्योंकि 100% रिजर्वेशन भी वोट बैंक के चक्कर में हो सकता था। यानी कि 50% की कैप लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन सिर्फ उतना ही किया जा सकता है जिससे राष्ट्र की इफिशियंसी पर फर्क ना पड़े। लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि अभी राष्ट्र की इफिशियंसी पर फर्क नहीं पड़ेगा? अशोक ठाकुर का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट आया, उस जजमेंट में MBBS डॉक्टर्स का रिजर्वेशन कर दिया गया। जब केंद्र की सरकार ने MBBS डॉक्टर में रिजर्वेशन कर दिया, यानी कि जो पोस्ट ऐसी थी जो राष्ट्र हित के लिए 100% योग्य ही चाहिए, यानी कि कोई डॉक्टर अयोग्य हमें चाहिए क्या? कोई डॉक्टर ऐसा चाहिए जो रिजर्वेशन से आए और इंजेक्शन गलत लगा दे, गलत तरीके से किसी का इलाज कर दे? ऐसा डॉक्टर हमें नहीं चाहिए था, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। जो इंजीनियर बिल्डिंग बनाए लेकिन वो कमजोर हृदय का हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करे और वो अयोग्य हो, कोई जज बन जाए वो अयोग्य हो, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन जाए लेकिन वो अयोग्य हो, ये तो सब राष्ट्रहित के ही काम थे, 100% राष्ट्रहित के काम थे। इन राष्ट्रहित के कामों में मुझे लगता है कि ऐसा ना हो जाए, इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एजुकेशन में रिजर्वेशन के पक्षधर थे, ना कि वो एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन के पक्षधर। इससे राष्ट्र की इफिशियंसी पर फर्क पड़ता है और राष्ट्र की इफिशियंसी का फर्क पड़ रहा था, इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 50% की कैप लगाई होगी।
लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि जब इनमें रिजर्वेशन हो गया, यानी कि जो टॉप मोस्ट की पोस्टें हैं इनमें रिजर्वेशन हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उसको वेरीफाई भी कर दिया, परिणाम हम देख रहे हैं कि लोग इलाज करवाने इंग्लैंड और अमेरिका तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश में बड़े पॉलिटिशियन, बड़े लोग सरकारी अस्पताल में इलाज करवाना पसंद नहीं करते। हमारे देश में लोगों को डॉक्टरों पर विश्वास है तो, लेकिन वैसा नहीं है। अगर उनके पास पैसा होता है तो वो अमेरिका या यूरोप ही जाते हैं, वो भारत में इलाज नहीं करवाते हैं। क्यों नहीं करवाते हैं? क्योंकि उनके पास धन है और उनका विश्वास वहां पर ज्यादा है। हमारे यहां के डॉक्टरों पर, हमारे यहां लोगों पर विश्वास कम है। अब जब तक प्राइवेट सेक्टर स्ट्रांग नहीं हो जाएगा, जब तक देश एक मैकेनिज्म नहीं, एक हब नहीं बन जाएगा मैन्युफैक्चरिंग का, तब तक इस रिजर्वेशन को अब खत्म करना असंभव है। हालांकि मोदी सरकार उस विषय पर बहुत काम कर रही है। हमारे देश में, मैं उस विषय पर आऊं उससे पहले ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है सुनना है, वो ये है कि हमारे देश में एक नैरेटिव खड़ा किया गया, अमानी, अंडानी, टाटा, बिरला, आहूजा, हिंदुजा, तमाम तरह के, और ये कहा गया कि भाई इन लोगों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, सरकार ये दे रही है, इनको एयरपोर्ट दे रही है, सरकार इनको पोर्ट दे रही है, सरकार इनको कॉन्ट्रैक्ट दे रही है। आपको बताऊं, जब मोदी सरकार बैठी और देश में काम करना शुरू करना चाहती थी तो फिर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाली कंपनियां ही नहीं थी, अनुभव ही नहीं था, क्योंकि हमारे देश में हमने कंपनियों को लूटने के अलावा उनको बढ़ाने के लिए कोई प्रयास बहुत नहीं किया था। जो प्रयास होता भी था तो एक अर्बन नक्सल स्ट्रैटेजी के तहत उनके प्रति देश में एक आम भावना पैदा कर दी जाती और जिसकी वजह से देश में सरकारें भी उनको सहयोग करने के बजाय उन पर लूट खसोड़ इकट्ठी करती। मोदी जी की सरकार जब बनी तो उन्होंने यह तय किया कि हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेंगे, क्योंकि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा आवश्यक है, मुझे अगर अच्छा घर मिल जाए, मुझे आने जाने की व्यवस्था मिल जाए, मेरा समय अगर बच जाए, मुझे बिजली मिल जाए, मुझे पानी मिल जाए, मुझे घर मिल जाए और मुझे काम करने का अवसर मिल जाए, तो मैं सरकार से क्यों कहूंगा कि मुझे रोटी, चापल, कपड़ा, मकान दे दीजिए? भाई क्यों करूंगा मैं? मुझे केवल इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटी चाहिए। एक अपॉर्चुनिटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देश में अच्छा होना चाहिए, मूलभूत ढांचा होना चाहिए, सड़क होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, इंटरनेट के कनेक्शन होने चाहिए, बाकी के इंफ्रास्ट्रक्चर और जो जरूरत है वो सब होने चाहिए, टेलीफोन की अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एरोप्लेन की अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ट्रेन की अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, माल ढुलाई की अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए और इसके अतिरिक्त मंडी और मार्केट भी होनी चाहिए। अगर ये सब कुछ हम मुझे मिल जाए और मुझे मेरी डिमांड आ जाए और एक्सपोर्ट की व्यवस्था ठीक हो जाए तो आप मुझे बताइए कि मैं क्यों सरकारी नौकरी की तरफ जाऊंगा, मैं क्यों दूसरे की नौकरी करने के लिए भागूंगा और मैं क्यों सरकार से सहायता मांगूंगा? उल्टा मैं सरकार को टैक्स दूंगा क्योंकि मैं कमाता हूं और अच्छी जिंदगी जीऊंगा। ये ज्यादातर विदेश में, यानी कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रियों ने अपने यहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही काम किया। यहां तक कि अमेरिका में कहा गया कि अमेरिका इसलिए समृद्ध, अमेरिका की सड़कें इतनी इसलिए अच्छी नहीं कि वो समृद्ध है, अमेरिका इसलिए समृद्ध है क्योंकि अमेरिका के पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। मोदी सरकार ने जब तय किया कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, देश के लोगों को उठाकर खड़ा करेंगे, तो हमारे पास कंपनियां नहीं थी। हमारे पास कंपनियां इसलिए नहीं बनाई जाती थी, क्यों? क्योंकि विदेशी कंपनियों से अगर भारत में काम करवाओगे तो उससे कमीशन जो मिलता था वो कमीशन ज्यादा आसान था, वो उसकी कोई पकड़ नहीं हुआ करती थी। तो हम चाइनीज कंपनियों से काम करवाते थे, यूरोपियन कंपनियों से काम करवाते थे, अमेरिकन कंपनियों से काम करवाते थे और तमाम तरह की कंपनियों से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवाते थे। लेकिन भारतीय कंपनियों के प्रति जैसे ही हम काम देते थे वैसे ही एक तथाकथित वर्ग उनके प्रति चला जाए, षड्यंत्र पूर्वक, षड्यंत्र के साथ भारत में भारतीय कंपनियों को न बढ़ने दिया जाए, भारत के उद्योगपतियों को स्ट्रांग ना होने दिया जाए, भारत में लोग अपने पैर पर ना खड़े हो जाएं, भारत के लोग विदेशों में काम करने के लिए परेशान रहें, नौकरशाही के साथ नौकर बनकर रहें। ये भारत में पूर्ण रूप से षड्यंत्र के तहत किया गया और जो छोटे काम हैं, दिल्ली के काम हैं, उन जातियों में हीन भावना पैदा करने का भी सही से काम किया गया कि वो हीन भावना पैदा हो जाए। वो 3,000 की नौकरी टाई लगाकर करेगा लेकिन अपने पिता के 30,000 के धंधे को नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो बढ़ई कहलाएगा, क्योंकि वो लोहार कहलाएगा, क्योंकि वो सुनार कहलाएगा, क्योंकि वो नाई कहलाएगा, क्योंकि वो कर्मकार कहलाएगा, इसलिए उसको हीन भावना पैदा करवा दी और अपने पिता के काम को छोड़कर वो 3-4 हजार की नौकरी टाई लगाकर करने लगा। इसमें उसको सम्मान महसूस होने लगा लेकिन 30,000 का घर बैठा काम
उसको अच्छा नहीं लगा। ये सिस्टमेटिक तरीके से भारत में एक पार्टिकुलर बिरादरी को, एक पार्टिकुलर रिलीजन को काम दिया जाए, उनकी बढ़ोतरी हो, इसके लिए ये सब किया गया। तो आज लोहार का काम, आज सुनार का काम, आज नाई का काम, आज मोची का काम, आज दर्जी का काम, आज ऑटो मैकेनिक का काम, आज पंचड़ वाले का काम किसके पास है? सिस्टमेटिक तरीके से इनको रोका और उनको बढ़ाने के लिए कि काम उनके पास जाए, क्योंकि ये अगर काम करेंगे पैतृक रूप से जो लोग करते हैं तो फिर उनको काम नहीं मिल पाएगा, बेचारे भूखे मर जाएंगे। पढ़ते लिखते वैसे नहीं, मदरसे में पढ़कर पास होते हैं और वो स्कूल जाते नहीं हैं, तो उनको काम कैसे मिलेगा? ये भारत में दो षड्यंत्र रचे गए कि आम आदमी का काम छीन लिया जाए, उसको हीन भावना पैदा करवाकर वो खुद छोड़ दिया जाए और उद्योगपति को भारत में बढ़ने न दिया जाए। क्या भारत डेवलप हो सकता है कभी? क्या भारत को विकसित कभी किया जा सकता है अगर ऐसी भावना रहे? मोदी सरकार ने तय किया कि हम हमारे कामगारों को पुनर्प्रतिष्ठित करेंगे, उनको उद्योग मंडल में काम दिलवाएंगे, उनको सर्टिफिकेट करवाएंगे, स्किल डेवलपमेंट करवाएंगे, मुद्रा योजना में पैसा दिलवाएंगे, उनको तमाम तरह की एमएसएमई सेक्टर में रजिस्टर करवाएंगे, तमाम तरह के 6000 से ज्यादा कंसल्टेंट अपॉइंट किए कि आप इनसे कंसल्टेंसी ले लीजिए और अपना काम शुरू करिए। बड़े उद्योगपतियों के पास एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन देश में काम होना है तो विदेशी कंपनियों को पहले शुरू में लगाया गया। बाद में सरकार ने विचार किया कि ये तो सब पैसा बाहर चला जा रहा है, सरकार ने अपनी कंपनियों को, भारत की कंपनियों को बढ़ा करने के उद्देश्य से कंसल्टेंसी सर्विसेज हायर करनी शुरू की। यूरोप की बड़ी कंसल्टेंसी सर्विसेज को भारत में उतारा गया और भारतीय कंपनियों से काम करवाया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि भारत में जो कंपनियां हैं उन कंपनियों को चूंकि अनुभव नहीं है तो लेबर स्किल सब वो देंगे, बाकी का जो कंसल्टेंसी है वो बाहर की आएगी। 50,000 करोड़ का अगर काम है उसमें 500 करोड़ रुपया कंसल्टेंसी सर्विस पर खर्च होता है तो क्या बुरा है? 50,000 करोड़ का पूरा काम अगर कोई बाहर की कंपनी लेती थी तो उसमें अगर उसको 10% भी बचा तो 5,000 करोड़ कमा कर ले जाती है। लेकिन लेकिन भारत की कंपनी अगर 500 करोड़ रुपया हम उसको दे देंगे और वो 5000 करोड़ कमाती तो 4,500 करोड़ भारत की कंपनी डेवलपमेंट में आएगा और भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, भारत के लोग स्किल्ड होंगे, भारत की कंपनियां बड़ी होंगी, भारत की कंपनियां मुनाफे में जाएंगी और वो विदेशों में भी काम करके भारत में पैसा लाएंगे। ये भारत सरकार की पॉलिसी बनी, भारत सरकार ने उस पर किया। इस पर भी विपक्ष ने क्रिटिसाइजेशन किया कि आप भारतीय कंपनियों को बढ़ा रहे हैं, उनको और रिच बना रहे हैं, विदेशी कंपनियों की बजाय भारतीय कंपनियों को बड़ा करना क्या अपराध था? लेकिन विपक्ष ने फिर वही सवाल उठाए और ये भी कहा कि आप कंसल्टेंसी के नाम से 500 करोड़ रुपया दे देते हो, जबकि 500 करोड़ रुपया देकर हमने 4,500 करोड़ रुपया बचाया और वो 4,500 करोड़ रुपया राष्ट्र की कंपनी बढ़ने में काम किया, जिसने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया, जिसने भारत को उत्थान में लाया, जिसने शेयर मार्केट बढ़ाया, जिसने देश को बढ़ाया, कुल मिलाकर ऐसा हमारे यहां सब होता रहा। अब रिजर्वेशन पर फिर से आते हैं तो रिजर्वेशन का जो विषय है वो तभी सॉल्व हो सकता है जब भारत की कंपनियां इतनी बड़ी हो जाएं, भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन खूब हो जाए, भारत में सरकारी नौकरी में सैलरी कम और प्राइवेट में उसको सैलरी ज्यादा मिले, भारत उठकर खड़ा हो जाए, तब उसको लगेगा कि पहला काम क्या मैं अपनी कंपनी खोल सकता हूं, दूसरा काम किसी कंपनी के साथ मैं एक्सपीरियंस लेने के लिए उसके साथ काम कर सकता हूं, और जब कुछ ना मिले तो फिर मैं सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ूं, जैसा यूरोप और अमेरिका के बड़े कंट्रियों में होता दिखता है, वो सबसे लास्ट ऑप्शन रहता है, तब हम रिजर्वेशन को सही कर पाएंगे और इसमें सही कर पाएंगे। अब इसमें जो ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने सवाल आया वो सवाल बिल्कुल साफ था, ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने एक प्रश्न आया, डिग्री चैलेंज हुई। डिग्री क्या चैलेंज हुई? एक बच्ची ने MBBS का फॉर्म भरा, उसमें उसने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया, उसने अपने आप को OBC बताया, जबकि वो OBC उसके पिता की जो आय है और पिता का जो काम है वो उसने उसमें डिक्लेयर किया, लेकिन अपनी माँ की आय, अपनी माँ का काम, अपनी माँ का डेजिग्नेशन उसने छुपा लिया, जबकि अगर वो माँ का डेजिग्नेशन बताती तो फिर वो मामला कहीं ना कहीं क्रीमी लेयर में आ रहा था, क्रीमी लेयर में मतलब वो जनरल कैटेगरी में जाता। अब इस बच्ची ने अपने पिता के द्वारा बनाए गए सर्टिफिकेट को लगाकर नॉन क्रीमी लेयर में OBC किसी दूसरे बच्चे का हक लेते हुए एडमिशन ले लिया, एडमिशन हो गया, MBBS की डिग्री वो ले रही थी, डिग्री मिल गई उसको, डिग्री हाथ में आ गई। तब तक पता लगा कि नहीं ये तो क्रीमी लेयर का बच्चा है, पता लग गया कि इसकी माँ का स्टेटस क्या है, क्रीमी लेयर का बच्चा है,
क्रीमी लेयर के बच्चे को लेकर बात यह आई कि इसकी एमबीबीएस की डिग्री चूंकि इसने झूठ बोल कर ली है, इसने किसी बच्चे का हक मार कर ली है, इसने झूठा सर्टिफिकेट लगा कर ली है, तो इसकी डिग्री निरस्त होनी चाहिए। क्योंकि हम ये कहते हैं, हम जब आंख पर पट्टी बांधते हैं भारत में वो कानून की देवी के, तो हम ये मानते हैं कि हम में भावनाएं नहीं होंगी, हम मानते हैं कि हम किसी का संवेदना नहीं देखेंगे, हम केवल और केवल न्याय करेंगे, हम केवल और केवल सही कहेंगे, सही के अलावा कुछ नहीं। और अगर हम में संवेदना आ गई, किसी एक केस को कंसीडर कर लिया और हमने कोई डिसीजन दे दिया उसको कंसीडर करते हुए, तो उसका परिणाम ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग उस मार्ग पर चल दें और बहुत सारे लोग ये मानकर चलें कि आपने, उसने झूठ बोला था तो उसको ऐसा नहीं हुआ तो मेरा क्या, तो ऐसे देश में प्रेसिडेंट खड़ा नहीं होगा। इसको हम कहते हैं एक नज़ीर तय होनी चाहिए, हर बात की एक नज़ीर है। भारत में नज़ीरों के आधार पर हम आगे होने वाले क्राइम को रोकते हैं, भारत में नज़ीरों के आधार पर हम आगे करने वाले लोग, गलती करने वाले लोग उन नज़ीरों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में गलती नहीं करते। मामला अनबिल हाई कोर्ट में आया, हाई कोर्ट में यह बात सिद्ध हो गई कि ये क्रीमी लेयर की है, ये जनरल कैटेगरी की बच्ची है, इसकी एमबीबीएस की डिग्री इसने गलत सर्टिफिकेट लगाकर ले ली है, इसने गलत एफिडेविट लगा कर ली है, गलत सर्टिफिकेट बना कर ली है, और इन्होंने जो डिक्लेरेशन किया वो डिक्लेरेशन गलत था। वो डिक्लेरेशन गलत था का मतलब बिल्कुल साफ है कि उसको जब तक पनिश नहीं किया जाएगा तब तक आगे अन्य लोग उसको मानेंगे नहीं। मैंने आपको बताया कि वैसे ही क्रीमी लेयर और जनरल कैटेगरी और ओबीसी रिजर्वेशन, एससीएसटी रिजर्वेशन और ये रिजर्वेशन की कैटेगरी, हमारे पास जो टॉप लेयर है, जो राष्ट्रहित के काम हैं, जो जनरल, जिनसे राष्ट्र पर प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, जिससे राष्ट्र के वैभव पर प्रभाव पड़ता है, उनमें नहीं किया था, लेकिन वो बहुत बाद में अभी कर दिया गया, कुछ साल पहले मान भी हो गया। यहां पर सवाल ये जो पैदा हुआ वो ये पैदा हुआ, क्या एमबीबीएस की डिग्री इन्होंने गलत तरीके से ले ली है, इसको अपास्त कर दिया जाए ताकि सारे देश के लिए नजीर बने, ताकि देश में कोई अन्य व्यक्ति गलत सर्टिफिकेट लगाकर डिग्री लेने की हिमाकत ना करे और देश में किसी अन्य का हक न मारा जाए। इस मामले को जब हम बात करते हैं तो ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये प्रश्न आया कि भाई डिग्री तो हो ही चुकी है, डॉक्टर तो बन ही चुकी है, और अगर वो डॉक्टर बन चुकी है तो क्या अब उसकी डिग्री वापस हो सकती है? क्या डॉक्टर जो अब एमबीबीएस डॉक्टर है, रजिस्टर्ड डॉक्टर अब वैलिड है? पढ़ाई तो पूरी की है, कोर्ट के सामने सवाल यह है कि पढ़ाई तो पूरी की है, एग्जाम भी क्वालिफाई किया है, डिग्री भी हाथ में आ गई, केवल इतनी सी बात है कि किसी और का हक मारकर आई है, किसी अन्य का हक मारकर आई। कोर्ट ने कहा कि भाई मैं ये मानकर चलता हूं कि राष्ट्रहित में देश में डॉक्टरों की कमी है, और डॉक्टरों की कमी होते हुए किसी की डिग्री वापस ले लेना मतलब राष्ट्र के साथ नुकसान करना है, आगे आने वाली जनरेशन को प्रेसिडेंट देना, आगे आने वाले जनरेशन्स को, आगे आने वाले जो अगले जो 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 सक्सीडिंग कोर्ट्स होंगे उनको नजीर देना, मानवीय आधारों पर, राष्ट्रीय आधारों पर ये ऑनरेबल कोर्ट ने कह दिया कि नहीं भाई, इनकी डिग्री वापस लेने का मतलब है एक डॉक्टर की कमी हो जाना, और हमारे पास डॉक्टर ऑलरेडी कम है इसी। लेकिन हम ये कहते हैं, कोर्ट कह रहा है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये कोई नज़ीर नहीं है, ये कोई, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता आपके कामों को, आपके द्वारा ये नहीं किया जा सकता, वो नहीं किया जा सकता। साथ में कह दिया कि ओबीसी और जनरल कैटेगरी में जो फीस का डिफरेंस है वो फीस का डिफरेंस जमा कर दीजिए, मतलब आपको जनरल कैटेगरी में मान लेंगे, आप एडमिशन वहां से आए लेकिन जनरल हो तो जनरल की फीस जमा कर दीजिए। दूसरा उन्होंने कहा 50,000 रुपये और जमा कर दीजिए। तो क्या ये क्राइम है किसी दूसरे का हक मारना, किसी दूसरे का फंडामेंटल राइट मारना, क्या ये अपराध है? और अगर अपराध है तो अपराध क्या राष्ट्रीय हितों में किसी भी अपराधी को छोड़ा जा सकता है, किसी अपराधी को बख्शा जा सकता है? और अगर ये अपराध नहीं है, सिविल रॉन्ग है, तो किसी का हक मारना क्या सिविल रॉन्ग है? तमाम तरह के बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उनके एडमिशन नहीं हो पा रहे, तमाम तरह के बच्चे इसलिए आत्महत्या करते हैं या गलत रास्तों पर चले जाते हैं क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ये हमारे देश की बड़ी भारी समस्या है। तो क्या ऐसी परिस्थितियों में, आप बताइए, मैंने जैसे कहा कि डिसीजन आ चुका है, डिसीजन
मान्य है। अभी सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो फिर और कुछ तय होगा। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होना ही चाहिए, मेरा मानना है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होना ही चाहिए, क्योंकि इस डिसीजन की जो रीजनिंग है वो राष्ट्रहित की तो है। एक डॉक्टर बढ़ाकर हम साल में 1 लाख MBBS, मोदी सरकार के आने के बाद हमने 1 लाख MBBS डॉक्टर बनाने शुरू किए हर साल। हम आज 700 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बना चुके हैं। हमने 17,000 PSCs खोल रखी, 17,000 मेडिकल सेंटर खुले हुए हैं भारत में। जैसे वो केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक कहते हैं, उससे बहुत अच्छे, वो मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, बहुत अच्छे प्राथमिक केंद्र खोल रखे हैं हमने देश भर में। गांव गांव में, अलग अलग स्थानों पर, कस्बों में हमने उसकी खोलने की किवायत चला रखी है। शहरों में हमने हर मोहल्ले में लगभग खोल लिया है। अब ऐसी परिस्थिति में हम ये कह रहे हैं कि इतने सारे डॉक्टर जब हम तैयार करते हैं, 1 लाख MBBS डॉक्टर तैयार करते हैं, तो 1 MBBS डॉक्टर के और रहने से राष्ट्रहित बढ़ता है। लेकिन जो OBC हकदार है, यही तो कहा था पूजनीय सरसंघ चालक ने पटना में या बिहार में, कि भाई हम रिजर्वेशन के विरोध में नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन उसको मिले जो उसका हकदार है। जिसको रिजर्वेशन मिल चुका है, क्या उसके बच्चों को दोबारा रिजर्वेशन मिलना चाहिए? उसके बच्चे तो अच्छे स्कूलों में पढ़े, चूंकि उसकी नौकरी मिल गई थी, अच्छे स्कूलों में पढ़ा, अच्छी जगह पर रहा, सरकारी कॉलोनी में रहा, सरकार के साथ रहा, सरकारी लोगों के साथ रहा, अब भी इसको रिजर्वेशन की आवश्यकता है जाति आधार पर? क्यों नहीं उसको उस बच्चे को रिजर्वेशन दिया जाए जिसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, जो अभी भी झुग्गी में रहता है, जो अभी भी गांव में रहता है, जो अभी भी नाले के किनारे रहता है, जिसके पिता को भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी और उसको भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि क्रीमी लेयर के लोग, और वो लोग जिनके पिता पहले से रिजर्वेशन का लाभ ले चुके हैं, वो जो पढ़ लिख गए हैं, वो जो अच्छी पढ़ाई में गए हैं, वो जिनको अपॉर्चुनिटी मिली है, उनको ही फिर भी रिजर्वेशन का लाभ देते हुए नौकरी देना? रिजर्वेशन खत्म नहीं करना, लेकिन क्या रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन ले चुका है, उसको क्रीमी लेयर में नहीं डाला जाना चाहिए? एक बार रिजर्वेशन, एक परिवार के पिता का एक रिजर्वेशन का मतलब होना चाहिए कि उसका परिवार अब नॉन एलिजिबल हो गया है और वो अब सामान्य कैटेगरी में आ गया। क्या ऐसी कोई व्यवस्था भारत में होनी चाहिए? या फिर जाति, चाहे वो अरबपति हो जाए, और जैसा ये केस है कि वो क्रीमी लेयर में आते हुए भी MBBS की डिग्री छल करके, अपनी ही जाति वालों का छल करके, अपने ही लोगों के विरुद्ध छल करके, उन बच्चों का हक मारकर जो गांव में पढ़े, वो उन बच्चों का हक मारकर जो अभी भी सड़क के किनारे रहते हैं, उन बच्चों का हक जो आज भी रेलवे के लाइन के किनारे रहते हैं, उन बच्चों के हक को मारकर कोई अगर डिग्री ले, तो क्या प्रेसिडेंट सही तय नहीं होना चाहिए? ये आप लोग लिखकर बताएंगे कि वाकई में रिजर्वेशन का हाल क्या होना चाहिए। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, रिजर्वेशन खत्म करने का, या मैं कहूं कि उसके प्रति आकर्षण तभी खत्म होगा जब मोदी सरकार ने कवायद छेड़ी है देश को बढ़ाने की, देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की, देश को आत्मनिर्भर बनाने की, देश में अपॉर्चुनिटी पैदा करने की। विश्व के दूसरे देश भी भारत की ओर देखते हैं कि उनको भारत में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नौजवान भारत में रुकने लगा है, नौजवान जो विदेशों में है वो भारत में अपॉर्चुनिटी देखने लगा है। वैसा भारत नहीं चाहिए, या फिर वैसा भारत चाहिए जो हमने 47 के बाद तय किया था, जब $1 1 रुपया हुआ करता था, विश्व की हम 5वीं और 6वीं इकोनॉमी उस समय हुआ करते थे जब लुटा पिटा भारत था। उसके बाद हम 11वीं पर पहुंच गए और हम धीरे धीरे करके सिर्फ नौकर बनते चले गए, हम सरकारी नौकरियों पर डिपेंड होते चले गए, हम दूसरों की चाकरी करने के लिए डिपेंड होते चले गए, हम विदेशों में नौकरी करने के लिए जाने के लिए मजबूर होने लगे, हम अपने माता पिता परिवार को छोड़कर विदेशों में जाने लगे। क्यों? क्योंकि यहां अपॉर्चुनिटी नहीं थी, और जो बचे, जो नहीं जा सकते थे, वो सरकारी नौकरी पर डिपेंड हो गए। क्या हमें आज भी वैसा भारत चाहिए? अगर नहीं चाहिए, तो जो मोदी सरकार ने कवायद की है, जो मोदी सरकार ने इस समय देश में माहौल बनाया है, उस माहौल का हमको सपोर्ट करना ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।